करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यू जस्ट हैव टू सी दिस वीडियो ये क्या है ये इंग्लिश ऑन फायर प्लेस हमारी चल रही है वैसे सब बच्चों को पता है दैट मैंने क्लास टेंथ की जो इंग्लिश है उसका जो फुल सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया है यू ऑल नो क्लास टेंथ इंग्लिश फुल सिलेबस इज कंप्लीटेड प्रपोजल से लेकर आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड तक और आपका ट्राइम फॉफ सर्जरी से लेकर लास्ट चैप्टर जो है वहाँ तक विद ऑल द पोएम्स कस्टर्ड ड्रैगन सब कुछ सारी लेंदा लेंदी लेंदी पोर्शन जो कुछ भी था हमारा वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं ओके एंड नाउ हम लोगों ने स्टार्ट करी है अपनी प्ले इंग्लिश ऑन फायर एंड ऑन फायर मतलब ये है कि हम ऐसी प्रिपरेशन इसमें करें कि हम अपने पेन से पेपर में आग लगा के आएंगे एनुअल स्कोर हंड्रेड ऑन हंड्रेड ओके एंड उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस हंड्रेड ऑन हंड्रेड के लिए हमने पुलाव नहीं बनाया है कि हाँ हमें हाँ जो नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे नहीं वी आर डूइंग द प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी डे तभी हमारे नंबर जो है वो आने वाले हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आज हम मैं जो आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत आसान चैप्टर है गाइज काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर है इसमें जो आसान है कुछ है बहुत पेचीदा है जैसे मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट हो गया प्रपोजल हो गया वो डिफिकल्ट उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दूंगी तो मैं वो बहुत ज्यादा होंगे ये इतना कर लो कवर है खत्म ये चैप्टर मैडम राइट जब स्टडी जी में टिक लगा के रख देना फिर बार रिविजन मोड करेंगे जब मार्च में रिविजन होगा इसका खत्म बाकी तो यू आर रेडी फॉर यू बोर्ड एग्जाम्स फॉर दिस एंड फॉर इंग्लिश यू आर रेडी ओके ग्रामर करानी है कॉम्प्रीहेंशन लाइव आके यू आर ऑल सेट फॉर द शो ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस स्ट्रीट पर टाइम ओके okay, तो एक दिन में बेसिकली जो वली थी उसके घर के आसपास से बस कितनी बार निकल के जाती थी तो वी नो दैट दो बार जाती थी एक बार पैसेंजर्स को छोड़ने शहर की तरफ एक बार शहर से वापस आते समय तो दो बार बेसिकली जो बस थी वो जाती थी अब आपको एग्जाम में टू थ्री फोर सिक्स ऑप्शन में आएगा तो मेटो ओकर करना है ठीक है अब एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना जब आप अपना एम वाला पेपर सॉल्व कर रहे होगे बी अ वेरी विजिलेंट दैट ए पे टू लिखा है तो आप ए को टिक करो और वही अपने आंसर शीट में मैंशन करो एंड डोंट गेट पैनिक तभी हम इन क्वेश्चन को करें समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज यार दो चार बार तो नहीं आती थी दो चक्कर तो नहीं मारती थी शहर के बस ये कोई क्वेश्चन होते हैं नो दैट आई रिमेंबर जैसे जब हमारे को यह एम सी क्यू क्वेश्चन आते हैं ना तो ऑप्शन देख के माइंड हिल जाता है हमारा तो वो ऑप्शन को हमें हटा देना है कि हमें पता है अपना क्लियर आंसर दो है लिख दिया डन एक नंबर हमारी जेब में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस तो कौन है ऑथर का नाम पता ना तुम्हारा काम है मेरा नहीं है मैं कभी नहीं बताती हूँ तुम बताओगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स हाउ डिड पिक पिकअप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द जर्नी तो ये जो वली थी ये छोटी छोटी डिटेल्स को कैसे पिकअप करती थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत चलाक लड़की थी ये चलाक थी इनोसेंट नहीं थी बिल्कुल चलाक बिल्कुल ही विजिलेंट भी थी रिस्पॉन्सिबल भी थी इसको जाना था बस के रेड पे हमने पढ़ा रोज ये शाम को इसके फ्रेंड्स फ्रेंड्स नहीं थे इतने और ये रोज अपने घर के बाहर बस को जाते हुए देखती थी मेन रोड पे ही रहती थी एंड ही वॉज वेरी फैसिनेटेड डेट यार एक दिन मुझे इस बस रेड पर बैठ के जाना है वो भी अकेले विद पेरेंट्स ने उसको अकेले जाना था बिल्कुल बिकॉज जब रात को दोपहर में उसकी मम्मी सो रही होती थी कई बार जैसे शिनचंद की मोम मिक्सि नहीं सोती दोपहर में वैसे उसकी मम्मी भी सो जाती थी ठीक है तो वैसे ही जब उसकी मम्मी सो रही होती थी वो बैठ के बस को देखती थी तो उसका मन करता था कि एक दिन तो भैया मुझे अकेले इस बेस में बैठ के पूरा अपना शहर की राइड लेकर आनी है और उसको शहर घूमने नहीं जाना था उसको उस बस की जर्नी को इंजॉय करना था यहाँ हम बच्चों को देखो बस तो हमें लगता है पत्थरें चलेगी तो तो ये पुराने ज़माने की बात है उस समय में, में बस भी बहुत वो लग्जूरियस मानी जाती थी बिल्कुल साफ़ सुथरी नई नई बनी हुई बसेस थी वो अंदर का इंटीरियर भी हमें डिस्क्राइब करा था बस का वो एक आपका काफ़ी मॉडर्न क्वेश्चन है ठीक है तो वो आपको याद रखना है दैट वली अकेले जाना चाहती थी तो यहाँ मैं आपको रिविज़न करवा दिया थोड़ा सा चैप्टर का तो हाउ डिड विली पिक अप द स्मॉल डिटेल्स अबाउट द जर्नी अब वो अपने पेरेंट्स से तो नहीं पूछ सकती थी ना कि बस में कैसे जाते हैं ये वो तो उसके लिए उसने अपने नेबर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू करा जो कोई भी बस से रिलेटेड बस स्टॉप से रिलेटेड बात करता था वो उसको सुनती थी तो द फर्स्ट इज लिसनिंग टू द कॉन्वर्जेशन ऑफ नेबर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन कभी कभी वो इधर उधर से क्वेश्चन भी पूछती थी जैसे कि किराया कितना लगेगा एक बार आने जाने का एंड कितने बजे निकलेगी बस वापस कितने बजे आएंगे पूरा उसने अपना प्लान जो मिशन था वो सेटअप अपने दिमाग में कर लिया था ठीक है वट डिड वली विश फॉर तो बली विश फॉर द बस राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून नैप ऑफ वली मदर तो वन टू फोर यही तो सारा सीन है पूरे चैप्टर का अगर इसकी माता रानी सोती नहीं एक से चार तक तो ये घूमने थोड़ी जा पाती बेचारी नहीं ये नहीं जा पाती इसकी मम्मी एक से चार तक सोती थी तो इसने डिसाइड कर रही इतने में तो मैं घूम के आ भी जाऊँगी पूरी बस की राइड लेके तो यही वल्ली का प्लान था अगर इसकी मम्मी नहीं सोती दोपहर में तो इसका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वल्ली की मम्मी कितनी से कितनी देर दोपहर में सोती थी वन टू फोर ओ क्लॉक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट मोड वॉट मेड वली लाफ ऑन हर जर्नी अब एक सीन आता है आपके बुक में जब यहाँ अपड करते हैं वली बहुत ज़ोर जोर की हंसने लगती है खिड़की से बाहर देखते हुए तो एक्चुअली उसमें होता क्या है द साइट ऑफ अर रनिंग काओ एक जो गाय होती है वो बहुत ज़ोर जोर की भाग के जा रही होती है उसको देख के वली बहुत छोटी बच्ची उसके समझ में नहीं आता है एक्चुअली गाय जो होती है वो ट्रैफिक से डर गई होती है किसी ने हॉर्म कर होता है इस वजह से वो भाग रही होती है एंड वली उसको देख के हंसती है उसको बहुत फ़नी लगता है उसको लगता है काओ जो है खेल रही है रेस लगा रही है बट दो मिनट बाद उसके जब वो वापस आ रहे होते हैं

डेड कॉवली का सारा इंथजी आजम एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है शीज जस्ट वटेड टू गो होम वो थोड़ी सी मोनोटेनस हो जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड शी रेजिस्टेड ऑन वेज फेयर टू सेव फॉर राइट ठीक है तो अभी ये क्वेश्चन है वली को जब जाना होता था अपने आ, कहीं भी सर्कस में जाती थी वो कुछ भी जाती थी तो उसे पैसे बचाने होते थे बस राइड के लिए ठीक है तो इसलिए अपनी पॉकेट मनी को वो बचा के रखती थी चिप्स ऑफिस नहीं खाती थी एंड बेसिकली उसने मेरी गो राउंड ये आपकी बुक में मैंशन है मेरी गो राउंड वो झूला होता है ना जिसपे हॉर्सेस लगी होती है बैठ के गोल गोल घूमता है वो वाला तो उस वाले झूले पर वो नहीं बैठी बिकॉज उसको पैसे सेव करने थे फॉर द बस राइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड द ओल्ड मैन आस वली दैट शी सी ठीक है तो ओल्ड मैन ने उसे कहा था बच्चा बैठ जाओ वो वो बस में कूद रही थी खेल रही थी तो ओल्ड मैन ही मेरली आज टू सेट और इस पर जो वली मैडम है वो गुस्सा हो गई तभी जो हमारे कंडक्टर थे बार बार वली को क्या कह रहे थे मैडम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वली इन द सी तो वली को क्या बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था स्ट्रीट के अंदर तो दस इज द बस विद न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर रोज जब वली अपने घर के बाहर बैठी होती थी दोपहर में जब उसकी मम्मी से होती होती थी द बस विद द न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर वॉज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर वली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ ओल्ड वॉज वली कितने साल की थी वली शी वॉज एट ईयर्स ओल्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नाउ व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ वली ये तुम मुझे बताओगे कमेंट करके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड वली फाउंड द वुमेन रिपल्सर वली के बराबर में एक वुमेन आके बैठती है और उसे वो बहुत अच्छे नहीं लगते शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विद हर अब ऐसा क्यों था फर्स्ट थिंग शी हैड अ लार्ज पियर्सिंग इन हर हेयर यानी कि बहुत मोटी मोटी पियर्सिंग हो रखी थी उसकी नेक्स्ट शी वॉज वेयरिंग अगली इयर उसने अगली झुमके जो होते हैं ना इयरिंग्स वो डाल रखे थे वो उसको अच्छे नहीं लग रहे थे ड्रामने लग रहे थे शी वॉज च्यूइंग बीटल नट विच वुड स्पिल एनी मोमेंट फ्रॉम आर तो वो बीटल नट च्यू कर रही थी और वो कभी भी उसका जो सिरप होता है उनके लिप्स में से किसी भी मोमेंट पे गिरने वाला था तो वो देख के उसे अच्छी नहीं लगती है और वो घबरा जाती है शीव फाउंड हर रिपाल से वो उनको बात करने का मल्लिका मन नहीं करता ठीक है नेक्स्ट फोटीन क्वेश्चन देखते हैं हम हाउ मच मनी डिड वली सेव फॉर द बस राइड ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम में आ सकते हैं हंड्रेड अगर एक्सट्रैक्ट आया तो यहाँ से आ सकता है ठीक है तो हाउ मच मनी डिड वली सेव फॉर द बस राइड तो सिक्सटी पैसे सेव करे थे उसने हमने ठीक है एंड हाउ मच वॉज फॉर द हाउ मच डिस्टेंस वॉज फ्राम द टाउन फ्रॉम विज ठीक है कितनी दूरी पर था टाउन एंड विलेज तो देर वॉज द डिस्टेंस ऑफ सिक्स माइल्स ठीक है तो ना वेल गेट अ साइड और तुम लोग इस इन क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट जस्ट रिवाइज दम एनी टाइम एन यू आर फ्री एंड ये क्वेश्चन तो ऑन द स्पॉट लर्न होने वाले क्वेश्चन है अभी कर लो उनके बाद इनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब आते हैं कुछ फाइव शॉर्ट क्वेश्चन पे दो मैं आपको लॉन्ग आंसर कराऊंगी बहुत ही अच्छे वाले जैसे कि इस पर ना वर्बल वी बी क्यू बहुत अच्छा बनता है दैट अभी अगर हम देखें वली अकेली चली गई घर पे किसी को पता नहीं है कुछ गलत भी हो सकता था जो कंडक्टर थे वो उसको ऑफर करते बट शी वॉज रिस्पॉन्सिबल शी डिडेंट टेक एनी वो उसको कहते हैं ना आई लॉ यू कोल्ड ड्रिंक वो कहते नहीं मेरे पास पैसे नहीं है वो कहते हैं इट्स माई ट्रीट बट वो मना कर देती है तो इस ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर ही आपके वी आएंगे दैट आई एल प्रिपेयर फॉर यू गाइस ठीक है तो अभी आप ये करो उसके बाद वी इसका बहुत तगड़ा आने वाला है इसमें से भोली वाले चैप्टर में से लेटर टू गॉड में से यहाँ से आपके वी आने के चांसेस है जिन पर आपको क्लिक करती है ना अरे भैया तू छोटी सी बच्ची घूमने चली गई तो ऐसे टाइप पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है तो लेट्स सी दीज आद शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये आंसर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ इनको सीधा लर्न कर लेना नो वरीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाइट डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम वल्ली को मैडम क्यों बोला था कंडक्टर ने यू हैव टू एक्सप्लेन इट आंसर इज गिवन जस्ट लर्न इट नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विद एल्डरली वूमेन तो यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ शी वॉज नॉट लुकिंग गुड एंड शी वॉज लुकिंग वेरी यू कैन से ड्राव नहीं लग रही थी इसलिए तो मैं पूरी ये पियरसिंग एंड ईयर रिंग एंड श्यूंग बेटल नट इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सजा के ठीक है वॉट वॉज ट तो करके लिखना पड़ेगा ऑन सीट एंड वॉट डी शी नाउ तो यानी कि जब वो खड़ी हुई थी सीट पे तो उसे क्या नजारे दिखे थे बस में से वो सब आपको एक्सप्लेन करनी है एल्डरली वुमेन वे कॉल्स चाइल्ड जब वो उसको चाइल्ड बोलते हैं तो वट डज सी रिएक्ट जो एल्डर्ली मैन उसे कहते हैं ना चाइल्ड तो उसने कैसे रिएक्ट करा था तो शूज अ स्मॉल खेडो तो उसको अच्छी नहीं लगी थी वो बात वो आपको एक्सप्लेन करनी है सो लेट्स इन द वीडियो बेस्ट ऑफ द फे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन नेक्स्ट चैप्टर का अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल टू रिविजन करने वाले ऑन इंग्लिश ऑन फाइव प्लेलिस्ट सो आई होप ये इंग्लिश ऑन फायर प्ले लिस्ट आपकी बहुत हेल्प करी होगी बिकॉज प्री बोर्ड्स में हर बच्चे के इन क्वेश्चन आए हैं ट्राइड एंड टेस्ट इन क्वेश्चन है या प्री बोर्ड में आ रहे तो भाई तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएंगे तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में हंड्रेड ऑन हंड्रेड पक्के है बिकॉज हम पूरी तैयारी के साथ चले प्रिपरेशन चैप्टर्स हो चुके ये हो गए इंस्टाग्राम पे मैंने सारे नोट्स डाल रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिए डालती हूँ जो इनसे यूज नहीं करते हैं एंड आप वी ब्यूज आएंगे आपके हंड रिटन फॉर्मेट में सो वॉट एल्स डू यू नीड यू नीड नथिंग एड यू जस्ट हैव टू स्टडी एंड यू जस्ट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल और योर टाइम टेबल जिसको तुम थोड़ा फ्लेक्सीबल करे हो एंड और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं सो दैट हम रेगुलर फ्लो में रहे विद आ स्टीज़ ठीक है तो लेट्स इन द वीडियो बस फॉर फे बोर्ड एग्जाम इफ यू एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डो फॉर टू शेयर दिस वीडियो ऑल योर क्लासमेट्स एंड अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो